सुंदर गुर्जर ने देश का मान बढ़ाया है, ऐसा कहना है पीएम का। इस बार पैरा ओलंपिक में देश की उम्मीद बढ़ी है, देश के लिए गोल्ड लाने को लेकर पूरी उम्मीद जताई है उन्होंने। करौली के रहने वाले हैं सुंदर गुर्जर। जैवलिन थ्रो में विश्व में सुंदर गुर्जर का नाम बढ़ा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो शशि, साफ तौर पे नाम लिया है ओलंपिक के लिए, देश की उम्मीद बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए पैरालंपिक के लिहाज से देश की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने भी नाम लिया है राजस्थान के इस पैरा एथलीट का, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले अभी सुंदर गुर्जर पिछली बार भी पैरालंपिक खेलों में गए थे, किसी कारण से उस स्पर्धा में पहुंच नहीं पाए, लेकिन पिछले दिनों जो उनका प्रदर्शन रहा और उन्होंने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पैरालंपिक से भी ज्यादा दूरी तक भाला फेंका, और इससे पहले देवेंद्र झाझड़िया भी पैरा एथलीट रहे हैं राजस्थान के, वे भी पैरालंपिक में दो बार पदक जीत चुके हैं, उन्होंने भी प्रदेश का नाम बढ़ाया है। और युवाओं में अलग अलग चुनौतियों को देखते हुए, चुनौतियां होने के बावजूद डटे रहना, लगातार हौसला रखते हुए आगे बढ़ना और आगे बढ़ के कुछ कर दिखाना, ये देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर दोनों इसकी मिसाल हैं। इससे पहले भी सुंदर गुर्जर का नाम लिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया का नाम लिया गया है राजस्थान के, और होनहार लोगों का नाम भी लिया गया है प्रधानमंत्री की मन की बात में। लेकिन जब सुंदर गुर्जर का नाम लिया जाता है तो एक बात खास इसलिए हो जाती है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए सुंदर गुर्जर आगे बढ़े हैं। उनका एक हाथ बारिश का समय था, तूफान तेज आया, सुंदर गुर्जर खड़े थे और टीन शेड उड़ी और उनका एक हाथ कट गया, कोहनी से नीचे उनका हाथ कट गया, और बड़ा पीड़ादायक समय था वो उनके लिए। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को तैयार किया, उनके जो कोच थे महावीर सिंह, उन्होंने महावीर सिंह ने उनको तैयार किया, लगातार प्रेरित किया जेवलिन भाला फेंक के लिए। और जेवलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने देश का मान पहले भी बढ़ाया है, अभी भी उम्मीद है क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक भाला फेंकने वाले पैरा एथलीट हैं आज की तारीख में। ऐसी सूरत में देश को उम्मीद है कि सोने के तमगा पैरालंपिक जब गेम होंगे तो उसमें राजस्थान के सुंदर गुर्जर जरूर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और देश को पदक। बिल्कुल शशि, बिल्कुल शशि, कठिन दौर से जरूर गुजरे हैं लेकिन अब पूरे देश की निगाहें उन पे हैं और सबको उम्मीद है कि देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। शशि आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार पैरा ओलंपिक के लिए शुभकामनाओं के साथ संबोधन में अपने मन की बात में पीएम मोदी ने जिक्र किया सुंदर गुर्जर का, और उसके बाद पूरे सूबे के लोग ही नहीं पूरे देश के लोगों में इस एथलीट के लिए सम्मान का भाव।